सत्येंद्र जैन को खोला खोली धमक। जेल रु बाहरी तुमको देखिने भी। तिहार जेल रे तिबा केजरीवाल सरकार का मंत्री सत्येंद्र जैन जेल अधिकारी मानकु देउछंती धमक। वीआईपी ट्रीटमेंट बंद हेबा कारण रु बिलीबिले हेउछंती सत्येंद्र। मनी लॉन्ड्रिंग केस रे दीर्घ दिन धरी तिहार जेल रे तिबा दिल्ली रो केजरीवाल सरकार का मंत्री सत्येंद्र जैन को किभली वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाउतला ताहा समस्त देखिछंती। ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମସାଜ କରାଯାଉଥିବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛିଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତିହାର ଜେଲ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଠିକ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। आम आदमी पार्टी सरकार मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामलें जेल रे महाठक सुकेश चंद्रशेखर ताठारु सत्येंद्र अर्थ नहीं अभियोग कर सारी। तिहार जेल अधिकारी माने सत्येंद्र जैन तांकु धमक देउतबा नै लिखित भाव अभियोग करिछंती। एही अधिकारी माने जेल रो महानिर्देशकंकु पत्र द्वारा लिखित भाव अभियोग करिछंती। पत्र रे सेमाने लिखिछंती जे पूर्वरु सत्येंद्र को जेल भितरे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलुथला, मात्र एबे सेही वीआईपी ट्रीटमेंट बंद हो जाइछि। एही कारणरु से रागी जाई जेल रो अधिकारी मानकु धमक देउछंती। तिहार जेल नंबर 7 रो अधीक्षक उप अधीक्षक सहायक अधीक्षक और विधि अधिकारी को सत्येंद्र धमक देउथबा जना पड़ी। सत्येंद्र ए अधिकारी मानकु कहिछंती जे थरे मो बाहर को बाहरे तापरे तुमरा चाकरी किपरि करा जाय सिखाइबी। अन्य पक्षरे बीजेपी नेता कपिल मिश्र एही घटना को नै कड़ा प्रतिक्रिया प्रकाश करिछंती। से कहिछंती जे सत्येंद्र जैन जेल भितरे अधिकारी मानकु धमक देउछंती। एही गुंडागर्दी पई अरविंद केजरीवाल दायी, कारण जेल जीवा सत्वे भी केजरीवाल तांकु मंत्री करी रखिछंती। से कहिछंती जे एभळी अधिकारी मानकु आम आदमी रो गुंडा मानक ठारु भयभीत हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। सुनंतु कपिल कोन कहछंती। ये हिम्मत कहां से आ रही है सत्येंद्र जैन में? ये हिम्मत आ रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आज तक सत्येंद्र जैन को हटाया नहीं है। एक ऐसे आदमी को जिसको देश का कोई भी कोर्ट जमानत नहीं दे रहा, 6 महीने से जो आदमी अपराध में, चोरी में, ब्लैक मनी में, हवाला में जेल के अंदर बंद है, उसको अरविंद केजरीवाल ने आज भी मंत्री बना के रखा हुआ है, इसलिए सत्येंद्र जैन इतनी धमकी दे पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरकेएस न्यूज़।